मैं अपने बाथरूम से बाहर नहीं निकल पा रहा। लगभग 40 मिनट हो गए जब मैंने शावर लिया, खुद को टॉवल से पोंछा, अपना पैजामा पहना, बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोला और खुद को दोबारा बाथरूम के अंदर पाया। दरवाजे की ओर मुंह मोड़े। मैंने खुद को समझाया कि शायद मुझे धोखा हुआ है कि मैंने दरवाज़ा खोला था। तो मैंने फिर से दरवाजे का हैंडल मोड़ा, उसे खोला, कदम बाहर रखा और फिर खुद को बाथरूम के अंदर पाया। दरवाजे की ओर मुंह करे। उसके बाद जितनी भी बार मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, यही हुआ। मैं नहाते समय अपना फ़ोन बाथरूम में ही रखता हूँ, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ तो ये करना सही लगता है। पहला काम जो मैंने किया वो अपने पापा को फ़ोन करने का था। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने मम्मी को कॉल करी। मैंने उन्हें अपने हालात समझाने की कोशिश की पर वो समझी नहीं। उन्होंने बोला, तुम बाथरूम में भला कैसे बंद हो सकते हो जबकि उसका दरवाज़ा खुल रहा है। फिर उन्होंने ये मान लिया कि शायद मैं बाथरूम में हूँ और उसका हैंडल टूट गया है और मैं अंदर बंद हूँ। जो भी हो, उन्होंने बोला कि वो जल्द से जल्द आ रही हैं। वो मेरे फ्लैट से 1 घंटे की दूरी पर रहती हैं तो वो आने ही वाली होंगी। मैं बाथटब से अपनी पीठ टिकाए ज़मीन पर बैठ गया, बाथरूम के खुले दरवाजे से अपने बेडरूम को देखते हुए। इस बार जब मैंने उसे खोला था तो बाहर नहीं निकला। सब कुछ नॉर्मल सा ही दिख रहा है। मैं अंदर से अपने बेड को देख रहा हूँ, अपनी अलमारी को देख रहा हूँ, सब नॉर्मल सा। मैंने दुखी होकर सर झुकाया, फिर सर ऊपर किया तो बाथरूम का दरवाज़ा बंद था। मुझे लग रहा है शायद मैं पागल होता जा रहा हूँ कि तभी मम्मी का कॉल आया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या मतलब? क्या तुम अंदर हो भी? हाँ, मैं अंदर ही हूँ। आप आ गई क्या? हाँ, मैं बाथरूम के बाहर खड़ी हूँ, तुम्हारा नाम पुकार रही हूँ। आप ये क्या बोल रही हो? मैं फिर आपको सुन क्यों नहीं पा रहा? रुको, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला। मुझे अभी भी अपना बेड, अपनी अलमारी दिखाई दे रही है, पर कहीं भी मम्मी नज़र नहीं आ रही। मैंने एक बार फिर कोशिश की, बाथरूम के बाहर कदम रखा, पर कोई फ़ायदा नहीं। मैं वापस अंदर खड़ा था, बंद दरवाजे की ओर मुंह करे। मम्मी ने बोला कि उन्होंने हैंडल ओपन करने की कोशिश की पर वो खुला नहीं। फिर वो स्क्रू ड्राइवर लेके आई और दरवाजे के लॉक सेक्शन को खोल के बाहर निकाल दिया। मुझे अभी भी किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आई। उन्होंने बताया कि लॉक निकालने के बाद छेद से उन्होंने अंदर झांका, पर मैं उन्हें दिख नहीं रहा। बाथरूम खाली है, मेरी और दरवाजे के कोई भी छेद नहीं है और लॉक और हैंडल अभी भी वैसे के वैसे हैं। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि क्या हो रहा है। मम्मी को बड़ी मुश्किल से ये यकीन दिलाने के बाद कि मैं अंदर ही हूँ, उन्होंने बोला कि वो मदद के लिए किसी को बुलाने जा रही हैं जो शायद दरवाज़ा तोड़ देगा। मुझे फ़िक्र हो रही है कि अगर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने के बाद खाली बाथरूम पाया तो शायद मैं इस बाथरूम में हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगा। मैंने फ़ोन पे नज़र डाली तो बैटरी 20% थी। मेरा चार्जर अंदर कमरे में रखा हुआ है। बैटरी ख़त्म हो गई तो मेरे कांटेक्ट का एकमात्र ज़रिया भी ख़त्म हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरे बाथरूम की खिड़की काफ़ी ऊपर है और छोटी भी है, उससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। मैंने कमोड के ढक्कन को बंद किया और उसके ऊपर चढ़ गया। खिड़की का शीशा खोला तो मैंने देखा कि बाहर अंधेरा है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, अभी तो दोपहर के 3 बजे हैं। शायद कोई नज़र आ जाए, पर कोई नहीं। सब कुछ एकदम मौन सा है। मैं उसे बयां नहीं कर सकता, ना ही उस एहसास को जो भय और घबराहट से भरा हुआ मैं महसूस कर रहा हूँ। मैंने सोचा सर बाहर निकाल के देखता हूँ, शायद कोई पड़ोसी आसपास दिख जाए। मैंने जैसे सर बाहर निकाला, मेरी खिड़की बंद थी। मैंने अपने सर का वहाँ से हटना महसूस भी नहीं किया, पर वो बंद थी। मैं निराश होकर ज़मीन पर बैठ गया। दरवाजे और खिड़की से दूर, जिनसे मुझे नफ़रत सी महसूस होने लगी है। मम्मी वापस आ गईं अपने एक दोस्त के साथ। उसकी मदद से उन्होंने दरवाज़ा निकाल दिया। मैं उन्हें वहाँ नहीं मिला। उन्होंने अपनी बाथरूम के अंदर की फ़ोटो मुझे सेंड करी। मैं वहाँ नहीं हूँ, वो खाली है। उन्हें लगा कि मैं उनके साथ कोई मजाक कर रहा हूँ और वो गुस्से में वहाँ से चली गईं। अब तो ना तो वो मेरा टेक्स्ट का जवाब दे रही हैं, ना ही कॉल पिक कर रही हैं। उन्हें गुड बाय कहने का शायद ये आखिरी पल है मेरे पास, पर वो फ़ोन ही नहीं उठा रही। अब बैटरी 1% बची है। मैंने उन्हें टेक्स्ट किया, मम्मी अगर मैं ना मिलूँ तो प्लीज़ मेरा यकीन करना कि मैं इस बाथरूम में ही हूँ। लव यू बोथ, गुड बाय। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया।